पनीर काली मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम बारीक कटे हुए प्याज, काजू, अदरक और लहसुन का एक पेस्ट बना लेंगे। ये रहा हमारा पेस्ट, अभी इसको हमें फ्राई करना है। अब इस ऑयल में हमने जो ये पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। और जब ये थोड़ा देखिए इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। ये इसमें हमने पनीर डाल दिया, ये क्रीम और ये दूध, इसके बाद में हल्दी पाउडर और इसके बाद ये सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे। और अब इस सब चीज़ को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, बहुत ही थोड़ा सा पानी, लगभग 2 टेबल स्पूनफुल, 2 टेबल स्पूनफुल से ज़्यादा पानी नहीं हो। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाले के बाद में ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पिसी हुई काली मिर्च। इसी पिसी हुई काली मिर्च की वजह से ही इस डिश का नाम पनीर काली मिर्च है। ये देखिए हमारा पनीर काली मिर्च तैयार हो गया। क्या लजीज पनीर काली मिर्च बना है, कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये हमारा पनीर काली मिर्च तैयार हो गया और अब हम इसे थोड़ा सा धनिया से गार्निश भी कर सकते हैं। खाने के लिए एकदम तैयार ये हमारा पनीर काली मिर्च। सबसे पहले हम बारीक कटे हुए प्याज, काजू, गार्लिक क्लव्स और अदरक का एक पेस्ट बनाएंगे और उसको 5 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद में हम उसमें पनीर, क्रीम, मिल्क, हल्दी पाउडर और सॉल्ट मिलाएंगे और लगभग 2 टेबल स्पूनफुल पानी मिलाएंगे और उसके बाद में उसे थोड़ी देर तक कुक करेंगे। थोड़ी देर बाद हम उसमें गरम मसाला मिलाएंगे और ये बारीक पीसा हुआ जो काली मिर्च का पाउडर है वो मिलाएंगे एंड इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। सो सिंपल।